बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल, दैट इज द जेवल इन द क्राउन, व्हिच हैज बीन रिटन बाय पॉल मार्क स्कॉट इन 1966। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट पॉल मार्क स्कॉट्स बायोग्राफी। सो पॉल मार्क स्कॉट वॉज बॉर्न ऑन 25 मार्च 1920, एज वेल एज ही वॉज डाइड ऑन 1 मार्च 1978। So, he was an English novelist, playwright, poet, and as well as he was famous for his tetralogy. वो tetralogy क्या थी? जिसका name था राज क्वार्टर, राज क्वार्टर, okay? राज क्वार्टर series with four novels. ये four novels की एक series थी जिसमें सबसे पहले वो नॉवल आता जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द ज्वेल इन द क्राउन। जो राज क्वार्टर नॉवल है, सॉरी सीरीज है, वो 1985 में लिखी गई, सॉरी 1984 में राज क्वार्टर की जो सीरीज है वो लिखी गई, जिसमें फोर नॉवल्स आते हैं। और जो ज्वेल इन द क्राउन है, इसके भी आगे नेक्स्ट सब पार्ट्स हैं, 7 सब पार्ट्स हैं जो आज हम अपनी इस स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसने किस फिक्शन, किस जॉनरा के थ्रू लिखा, किस जो है एरा से ये बिलोंग करता था। एक्चुअली इस इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन जॉनरा यूज किया है अपनी राइटिंग में। ही स्पेंट अ ह्यूज टाइम इन इंडिया and we can see the pure color of subcontinent in his writing. Also during partition as well as after partition, ये इन्होंने इस era से belong किया है। और इसी era में partition का कैसा दौर था और after partition कैसी situation थी, वो इन्होंने the jewel in the crown में discuss की है। इसमें हम देख सकते हैं कि ज्वेल इन द क्राउन में किस तरह इंडिया एक्सप्लॉइट, और स्पेशली ये इंडिया और ब्रिटिश की एक स्टोरी है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कैसा रिलेशनशिप था, ठीक है, ये इंडिया किस तरह एक्सप्लॉइट हो रहा था, स्लेवरी मूवमेंट वहाँ पे किस तरह चल रही थी, अब कलर पीपल और वाइट पीपल इन दोनों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा था, कॉलोनाइजर्स का क्या हाल था, और कॉलोनाइज्ड जो लोग थे स्पेशली इंडिया, उनका क्या हाल था। अब एक बड़े जो है फिलोसोफर ये बात कहते हैं कि इन इंडिया एंड इंडियन एंड एन इंग्लिश मैन कुड नेवर मीट ऑन इक्वल टर्म, ठीक है। अब इंडिया में क्या था ड्यूरिंग सब कॉन्टिनेंट, तो ड्यूरिंग पार्टीशन, सो उस सब कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा था, ये जो इंडिया था और जो एक इंडियन मैन था इंडिया में, इंडियन में जो इंडियन मैन था और एक इंग्लिश मैन था, वो कभी भी एक दूसरे से मुखलिस नहीं थे। जबकि वो क्या था, वो उन्हीं के मुल्क में रह रहे थे। वो कौन सा मुल्क था, इंडिया। ब्रिटिश या इंग्लिश मैन जो जब आया इंडिया में, तो उन्होंने बड़ी, हमने पोस्ट कॉलोनियल एरा में पढ़ चुके हैं कि पोस्ट कॉलोनियल एरा कैसा था, कॉलोनियलिज्म मूवमेंट किस तरह की थी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म मूवमेंट में क्या हुआ। तो आप मेरी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर सकते हैं, अगर आप जो है डीपली इसको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हैं इस नॉवल को, आपको फिर पता चलेगा कि किस तरह पोस्ट कॉलोनियल ये कर रहा है इफेक्ट और कॉलोनियलिज्म किस तरह इसमें शो हो रहा है। अब उसने कहा है कि इंडिया, इंडिया में रहते हुए एक इंडियन और एक इंग्लिश मैन कभी भी उनकी जो टर्म्स हैं वो आपस में मिल नहीं सकती, उनके नॉर्म्स, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके ट्रेडिशंस, फिर उसके बाद उनकी लिटरेचर, वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। अब वो कहते थे हम सिविलाइज्ड हैं, हम एजुकेटेड पर्सन हैं, हम भाई तुम लोग तो रोमांटिक लोग हो, ठीक है, हम क्या हैं, हम मैन ऑफ द यूनिवर्स हैं, ठीक है, हमने, हमें शाऊर है, तुम लोगों में क्या है, तुम तो कहते जो है तुम लोगों में बड़ा फेमिनिज्म पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह वो उनको बड़ा जो है इन्फीरियर समझते, वो कहते हैं हम खुद सुपीरियर है। इट वॉज नॉट हाउ अ मेन थॉट, अब ये नहीं कि उनकी थॉट्स किस तरह की हैं, नहीं, इंडियन वालों की थॉट्स मैटर नहीं करती, वो क्या सोचते हैं, उनमें किस तरह के जज्बात हैं, उनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं, डजंट मैटर। क्या मैटर करता था, उनका बिहेव, वो काउंट किया जाता था, उनकी बोलने की जो सूरत हाल थी वो काउंट की जाती थी,
ठीक है, ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये स्टेटमेंट, किसको, पोस्ट कॉलोनियल एरा को ड्यूरिंग पार्टीशन एज वेल एज आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, इफ यू विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द ज्यूल इन द क्राउन। ठीक है, ज्यूल इन द क्राउन का मतलब क्या है, ज्यूल ठीक क्या होता है, एक हीरा, समथिंग दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल, एक जौहर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा वैल्यूएबल होता है और एडमायर अमंग अदर्स ऑफ इट्स काइंड, जिसको बाकी उसकी तमाम किस्मों से ज़्यादा अहमियत मिलती है, वो ज्यूल कहलाता है। अच्छा, अब ज्यूल इन द क्राउन का ये तो मतलब हो गया, अब जो इस स्टोरी में ज्यूल इन द क्राउन है कौन एक्चुअली, वो जौहर उस क्राउन के अंदर वो कौन सी चीज़ है। अब हम जब इस नावल को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज्यूल कौन है और क्राउन कौन है। ठीक है, मेन चीज़ इसमें ज्यूल है और यही हमने पता करना है कि ज्यूल जो है वो इंडिया है या ब्रिटिश है। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करें इसके नावल के बैकग्राउंड की, तो ये 9 अगस्त 1942 में लिखा गया, सॉरी इसकी सेटिंग 9 अगस्त 1942 की सेटिंग है इसकी। फिर उसके बाद इसके कुछ करेक्टर्स हैं, डेफनी मैनर्स जो के मेन करेक्टर हैं, मिस ब्रेन वो भी मेन करेक्टर है, लेडी एथल मैनर्स ये डेफन मैनर की एक आंट है, लेडी चटर्जी वो है जिसके पास डेफनी मैनर्स रहती है मायापुर में, वो रह रही हैं। अब हरी कुमार वो है जिसको डेफनी मैनर पसंद करती है, लाइक करती है, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब रोनाल्ड मैरिक, यहाँ पे EME आना था, ठीक है, रोनाल्ड मैरिक कौन है, ये एक लोकल पुलिस ऑफिसर्स का सुप्रिडेंट है, ठीक है, और जो कि डेफनी का एक केस चल रहा है उसको ये रोनाल्ड मैरिक जो है हैंडल कर रहा है और ये एक इंग्लिश मैन है। अब ये 1966 में लिखा गया, द ज्वेल इन द क्राउन फॉलोज अ यंग इंग्लिश वुमेन हु मूव टू इंडिया ड्यूरिंग वन ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटानिया हुकूमत कर रही थी तब क्या हुआ, एक लड़की डेफनी मैनर वो मूव कर गई कहाँ पे, इंडिया में, किसके पास, लेडी चटर्जी के पास। सबसे पहले लेडी एथल मैनर के पास जाती है जो कि इस्लामाबाद में रहती है, ठीक है, पाकिस्तान में रहती है, उसके बाद ये मूव कर जाती है लेडी चटर्जी जो कि मायापुर इंडिया में रह रही है। अब डेफनी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, डेफनी मैनर्स जो है वो एक यंग वुमेन है, बिटवीन 70 to 18 इसकी एज है। अब ये लंदन में रह रही है ड्यूरिंग वॉर टू। अब ये डिस्क्राइब करती है अपने आपको कि मैं जो हूँ ना बड़ी ग्लम्पिंग हूँ। ग्लम्पिंग क्या होता है, अनअट्रैक्टिव प्लेन फिगर, ठीक है, उसको ये बताती है कि मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये अपने आप को इस तरह अपनी अपीयरेंस बता रही है। फिर क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, ये बिटवीन 1940 to 1941 जर्मन के लिए काम करती है एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। अब क्या होता है कि सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि इसी के जो पेरेंट्स होते हैं उनको मार दिया जाता है। कौन मार देता है, जर्मन की ही आर्मी उनको मार देती है, जिसकी वजह से फोर्सफुली ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इसको, इसके भाई को भी मार दिया जाता है, इसके पेरेंट्स को भी मार दिया जाता है। अब वो मूव कर जाती है ब्रिटिश से जर्मन से इंडिया में, जहाँ पे बरतानिया की हुकूमत चल रही है, ठीक है, वहाँ पे अपने क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव के पास जो है ग्रेट आंट लेडी एथल मैनर, इसकी आंट है, वो कहाँ पे रह रही है, रावलपिंडी इन इस्लामाबाद जो कि पंजाब का एक इलाका है। अब डेफनी को ऑर्डर दिया जाता है, कौन ऑर्डर देता है, मिस ग्रेन। अब मिस ग्रेन कौन है, मिस ग्रेन ऐसी बंदी हैं, एक ऐसी लड़की हैं, औरत हैं जिसके अंडर तमाम लोग काम करते हैं और उसी का, ये भी इंग्लिश वुमेन है। अब इसी का सारे हुक्म मानते हैं। अब डेफनी लेडी एथल मैनर्स के थ्रू डेफनी मैनर्स को ये ऑर्डर दिया जाता है कि ये अपनी हम उम्र लड़कियों के पास जाए मायापुर में, वहाँ पे जाके उनसे इंटरव्यू करे। अब मेन बात इसमें ये है कि ये जो स्टोरी है ये कोई प्लॉट वाइज स्टोरी नहीं है, इसकी कोई भी स्टोरी नहीं है, इसका कोई प्लॉट नहीं है, इसका कोई डायलॉग नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये कमेंट्स हैं, ये जो है व्यूज़ हैं
तमाम लोगों के जो कि पॉल स्कॉट ने इकट्ठे किए हैं और एक नावल लिख दिया। अच्छा, अब लेडी एथल मैनर्स उसको ऑर्डर देती है कि तुम अब क्या करो, मिस क्रे ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम डेफनी मैनर तुम जाओ मायापुर में, वहाँ पे जाके अपनी हम उम्र लड़की के साथ जो है इंटरव्यू करो और उनके हाल जानो। फिर उसके बाद उसको वाइट बैंगर यानी कि जो सफ़ेद बंगाल था वहाँ पे भेज दिया जाता है। यहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत थी मायापुर में, ठीक है। अब जब ये इंडिया मूव करती है, पाकिस्तान मूव करती है, पाकिस्तान में भी बरतानिया हुकूमत कर रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया की सिचुएशन बताई हुई है कि इंडिया पे किस तरह वो रूल कर रहा था। अब वो वहाँ पे लेडी चटर्जी के पास जाती है जो बड़ी नॉबल काइंड हार्टेड लेडी है, उसके पास ये रहती है। अब वो जो इलाका है मायापुर, ये कोलकाता से, नॉर्थ कोलकाता से 130 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पे लेडी चटर्जी रहती हैं। ये सिर्फ आपकी जो है एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर हो रहा है कि कितना इलाका था। 130 किलोमीटर कोलकाता से दूर इलाका मायापुर था जहाँ पे लेडी चटर्जी रहती है। ड्यूरिंग हर स्टे डेफनी फाइंड हर सेल्फ अट्रैक्टेड टू हैरी कुमार। अब वहाँ पे एक बंदा रहता है हैरी कुमार, ठीक है, जो कि क्या है वो रहता, पैदा कहाँ पे हुआ है, इंडिया में, पढ़ कहाँ से रहा है, इंग्लैंड से पढ़ के आया है। अब वहाँ पे उसका बिजनेस सारा कुछ सेट था, उसके पेरेंट्स वहाँ पे रहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उसके फादर जो बड़े एक बिजनेसमैन थे, इनको बैंकक्रप्ट करार दे दिया गया, जिसकी वजह से उसके फादर ने सुसाइड कर ली और इसको भी फोर्सफुली अब इंडिया मायापुर में शिफ्ट होना पड़ा है। तो अब डेफनी मैनर उसके साथ बड़ा अट्रैक्ट होती है क्योंकि वो वहाँ से ही पढ़ा होता है, उस स्कूल से, उस कॉलेज से पढ़ा होता है जहाँ पे डेफनी मैनर के भाई पढ़े होते हैं, ठीक है। उसी ये भी एक बड़ी वजह थी, एक रीज़न था इसके अट्रैक्शन का। उस स्कूल का नाम था चिलिंग बोरो, उस स्कूल में इसका भाई जो है वो भी अटेंड कर रहा था वही स्कूल। अच्छा, बट अब यहाँ पे एक रेशियल लाइन खिंच गई बिटवीन वाइट एंड कलर्ड मैन। डेफनीज रिलेशनशिप विद हैरी इज एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल। लेकिन अब हैरी डेफनी जो थी उसको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, डेफनी और ख्यालात की लड़की थी, ठीक है। लेकिन इसको हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी अपना असली रंग दिखाती है कि वो एक वाइट लेडी है, ठीक। अब क्या होता है, इनका रिलेशन चल रहा होता है तो एक रात क्या होता है कि डेफनी मैनर्स और हैरी कुमार प्लान करते हैं कि वो बीबीगर गार्डन में मिलेंगे दोनों, और वहाँ पे जो है अपने एक अफेयर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, वो दे मेक लव फॉर द फर्स्ट टाइम बट इंटरप्टेड बाय ग्रुप ऑफ एंग्री इंडियन मैन। अब वो इंडियन मैन आते हैं, इनको देखते हैं तो क्या होता है, वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं, वो क्योंकि अब बरतानिया उन पर रूल कर रहा था। अब उनको ये भी गुस्सा था कि ये जो हमारा बंदा है हैरी कुमार, ये किसी इंग्लिश मैन के साथ, इंग्लिश वीमेन के साथ किस तरह अफेयर चला सकता है, अब जबकि हमारी अपनी इंडियन की वीमेन जितनी हैं उनके साथ इसने क्यों नहीं अफेयर चलाए। अब ये भी एक नफरत की वजह थी उनके। अब वो क्या करते हैं कि उन हैरी को बांध देते हैं, हैरी कुमार को डेफनी का रेप कर लेते हैं फॉर मल्टीपल टाइम्स। अब जब वो छोड़ते हैं डेफनी को, डेफनी जो है हैरी मैनर को, कुमार को खोलती है, अब वो रिफ्यूज़ कर देती है, वो कहती है मैं इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हैरी कुमार की भी जान को खतरा था, उस पर भी सारा ब्लेम आ सकता था। लेकिन अफवाह इस तरह फैलती है कि जो रोनाल्ड मैरिक होता है उस तक पहुँच जाती है, जो कि लोकल पुलिस का सुपरिटेंडेंट होता है। अब वो इस केस को लड़ता है, अब वो हैरी डेफनी मैनर से कुछ सवालात करता है कि क्या तुम्हारा रेप हुआ है, वो रिफ्यूज कर देती है। अब क्या है, यहाँ पे वो अपना गुस्सा शो करवाता है रोनाल्ड मैरिक फॉर इंडियन, ठीक है। अब वो कहता है कि तुम बताओ किसने रेप किया, इंडियंस लोगों ने रेप किया, उसने कहा नहीं। लेकिन वहाँ पे वो इस तरह उसको अपने शिकंजे में पकड़ता है, वो कह देती है यस, उसके मुंह से यस निकल जाता है। फिर वो ये कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे मुंह पे पट्टी बांधी थी उन्होंने मेरी आंखों पे, तो मैं उनको देख नहीं सकी।
अब क्या करता है वो, उससे सच निकलवाने के लिए रोनाल्ड मैरिक हैरी कुमार को अरेस्ट कर लेता है। अब वो बहुत दफ़ा कहते हैं कि हैरी कुमार का इसने कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, वो तो खुद मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे उसको इंडियंस के खिलाफ गुस्सा दिखाने का मौका मिल रहा था, दैट्स वाई उसने हैरी कुमार को जो है वो बरी नहीं किया, उसने उसको अरेस्ट कर लिया। अब जो डेफनी मैनर्स है वो कहती है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, मेरी वर्जिनिटी जो है वो बहुत दफ़ा लॉस हो चुकी है जब मैं जर्मन में थी, जब मैं लंदन में थी, इंग्लैंड में थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अफेयर्स थे, लेकिन मैंने कभी भी किसी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन मैं हैरी कुमार के साथ एक लॉयल जो है एक प्योर लव करती हूँ। लेकिन जो रोनाल्ड मैरिक है वो तो हेटर्स है इंडियंस का, हेटर है इंडियंस का, तो वो उसको छोड़ता नहीं है। वो कहते नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, फिर भी वो उसको कहता है कि नहीं, तुम्हारा इसने रेप किया है, हैरी कुमार ही ने तुम्हारा रेप किया है और तुम हमसे झूठ बोल रही हो। नाउ डेफनी मैनर्स डज एवरी थिंग इन हर पावर टू फ्री हैरी, इवन इफ दैट मीन्स लेटिंग द रियल रेपिस्ट गो फ्री। अब वो कहते हैं कि तुमने तो इसको पकड़ लिया जो इसने मेरा रेप ही नहीं किया, और जो बाकी थे जिन्होंने मेरा रेप किया वो तो फ्री घूम रहे हैं। लेकिन हैरी जो है वो जो रोनाल्ड मैरिक है वो फिर भी नहीं मानता। अब वो एक इल्ज़ाम तराशी करती है मुस्लिम्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमें लेडी वाइट लेडी का एंगर शो हो रहा है टुवर्ड कलर्ड पीपल। अब वो उसको छुड़वाने के लिए, क्योंकि एक तो उसका भाई के साथ वो पढ़ा हुआ था, उसने वही स्कूल अटेंड किया था, और दूसरा वो इंग्लैंड से पढ़ के आया था, दैट्स वाई वो क्या था उसकी सोच उसके साथ थोड़ा मिलती थी, और उन दोनों का इस वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन गया था। लेकिन अब जो कलर्ड पीपल थे, जो अनएजुकेटेड थे, जो सिविलाइज्ड नहीं थे, जो फेमिनाइज थे, जो कॉलोनाइज थे, उनके खिलाफ जो शो करवा रही है ये एंगर अपना, किस पे इल्ज़ाम तराशी करके मुस्लिम से। वो अब जब उसको कोई भी रिश्ता नहीं मिलता ना कि मैं हैरी को किस तरह छुड़वाऊँ, तो वो मुस्लिम्स के बारे में कहती है डेट शी कुड फील डैट द अटैकर्स पेनिसिस वर सर्कमसाइज्ड, इंडिकेटेड टू हर दैट दे वर मुस्लिम्स पीजेंट। अब वो कहती है कि मैंने फील किया जब मेरा रेप हो रहा था, तो मैंने फील किया था कि देयर पेनिसिस वर सर्कमसाइज्ड, दैट्स वाई मुझे शक है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो मुसलमान पसंद थे जिन्होंने मेरा रेप किया। अब पेनिसिस वर सर्कमसाइज्ड, आप इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। सो अब क्या होता है, फिर भी हैरी कुमार को अरेस्ट नहीं किया जाता। अब क्या कहती है डेफनी, कहती है कि मैं ये कोर्ट में जाके ये बयान दूंगी कि जो मेरा रेप करने वाले लोग थे वो वाइट मैन थे, जिसकी वजह से रोनाल्ड मैरिक को गुस्सा आता है कि हमारी जनरेशन पे ये इल्ज़ाम देने लग गई है, अपनी ही जनरेशन पे इल्ज़ाम देने लगी, अपने लोगों पर इल्ज़ाम करेगी। उसकी वजह से उसको थ्रेट दे के वो चली जाती है, बट हुकूमत बरतानिया की थी, तो अगर वो कोर्ट में ये बयान दे भी देती तो कभी भी उनको सजाए मौत या सजा किसी भी तरह की सजा के वो मुस्तक नहीं हो सकते थे, क्योंकि रूल ही वाइट मैन का चल रहा था, रूल ही इंग्लिश मैन का चल रहा था, तो उनको इस तरह जो है पनिश किया जा सकता था। डेट्स वाई उसका कोई भी जो हर्बा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो अब क्या करती है, अब वो लेडी चटर्जी के पास वापस चली जाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो क्या कहती है, वो दुआएं करती है कि जो मेरा बेबी हो वो हैरी का हो, बिकॉज शी हैज़ थॉट दैट इट कुड बिलोंग टू एनी ऑफ मैन हु रेप हर, ठीक है। वो कहते हैं उनमें से किसी का भी बेबी हो सकता है जिन्होंने मेरा रेप किया है। अब वो माया हरी सॉरी मायापुर से लेडी चटर्जी के पास से वो अब फिर अपनी एंड के पास ले जाती है एथल मैनर के पास, एंड गोज इनटू लेबर। ट्रेजिकली शी डाइज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेम हार्ट कंडीशन अ डॉक्टर डायग्नाइज्ड हर विद इन इंग्लैंड। अब जब उसके बेबी होता है, ठीक है, तो वो अपनी पूरी फिजिकल रिसेम्बल जो है वो हैरी के साथ मैच कर रहा होता है, उसको पूरा उसकी जो बैलेंस होती है वो हैरी जैसी होती है, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो हैरी का ही बेबी है, और इसी के साथ ये स्टोरी हो जाती है एंड। अब इसके बारे में मिस्टर वाइट जो है वो कहते हैं मेक्स अ मोस्ट रियलिस्टिक जजमेंट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। ही सेज बींग ह्यूमन
the longer the Indians were denied freedom, the more they wanted to be free on their own terms and more free. Instead that they must initially acquire freedom on earth, the longer this conflict continued, the more abstract the term of likely agreement became on either side. It was then a question of greater morality outlasting and outweighing the lesser, which was why, of course, in the end, the Indians won. अब जब हैरी कुमार का सारा कुछ पड़ा था, ठीक है, हैरी कुमार और डेफनी मैनर्स का लव अफेयर भी चला, फिर क्या हुआ? अब वो कहते हैं कि वो जान छुड़वा सकते थे सच बोल के कि हमारा रिलेशन था, हमारा प्योर रिलेशन था, लेकिन जो हैरी कुमार था उसने बार बार रिफ्यूज किया, इस बात को छुपाया कि ये मत बताना कि हमारा रिलेशन किसको और मैरिक को। वो कहते हैं कि इंडिया जो है खुद ही, इंडियंस जो है वो खुद ही अपने आप को फ्रीडम से बहुत दूर ले गए। ठीक है, अब क्या हो सकता था? एंड पे जब ये स्टोरी एंड होती है तब हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ऑफ कोर्स इन द एंड द इंडियन वॉन, इंडियन ही जीते, इंडियंस ने। अब अगर डेफनी मैनर्स का बता देते कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, डेफनी मैनर्स को भी रेस्ट पर ले रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है? उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, जिनके इंडियंस थे, कि वो कितने अच्छे थे, उनकी फीलिंग्स किस तरह की थी। अब वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की आज़ादी के लिए उन्होंने खुद को कैद कर लिया, और एंड में अच्छे ये बल्कि ठीक मायनों में कौन जीता? इंडियंस ने मान किया, और इसी बेस पर द ज्यूल इन द क्राउन कौन था? इंडियंस को द ज्यूल इन द क्राउन कहा जाता है। व्हाई वाज द ब्रिटिश इंडिया कॉल्ड द ज्यूल ऑफ द क्राउन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन? अब ब्रिटेन, ब्रिटिश इंडिया जो है वो ग्रेट ब्रिटेन को क्यों ज्यूल ऑफ द क्राउन कहता है? इंडिया वाज द ज्यूल इन द ब्रिटिश एम्पायर बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वाज रिच इन स्पाइस, सिल्क, इंडिगो एंड गोल्ड। अच्छा, अब जो ब्रिटिश इंडिया था ना, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड पाया जाता था, उसमें स्पाइसेस, उसमें सिल्क, उसमें इंडिगो, बहुत मटेरियल पाया जाता था, जिसकी वजह से उस इंडिया पे कब्जा कर लिया कि इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में, और सब कुछ उन्होंने हथियार लिया, जबकि वो सारा कुछ तो इंडियन का था। तो अब जब उन्होंने सारा कुछ हर चीज़ पे कब्जा कर लिया ग्रेट ब्रिटेन ने, तो अब सारा कुछ उनका हो गया। इस वजह से इंडिया जो है वो ज्यूल इन द क्राउन ग्रेट ब्रिटेन को कहते हैं, जबकि हकीकी मानों में कौन है ज्यूल इन द क्राउन? इंडियंस की ज्यूल इन द क्राउन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द ज्यूल इन द क्राउन? इंपीरियलिज्म। ठीक है, इमेज रिजल्ट फॉर करेक्टर्स ऑफ ज्यूल इन द क्राउन, इंडिया वॉज कंसिडर्ड द ज्यूल इन द क्राउन फॉर ब्रिटिश एम्पायर ड्यू टू इंडिया रिसोर्सिस एंड लोकेशन। अब इंडिया की लोकेशन बड़ी हरी भरी थी, ठीक है, उसमें बड़ी ज़खीरे ज़मीन थी और बड़े रिसोर्सेज पाए जाते थे। ब्रिटेन ने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया, नेचुरल एसेट्स जो इंडिया का था उसको एक्सप्लॉइट कर लिया। क्या? इन द पिक्चर टू लेफ्ट, ब्रिटिश आर मेटाफोरिकली मिल्किंग आर रॉ मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल्स आउट ऑफ इंडिया। अब उन्होंने क्या किया? तमाम का तमाम मटेरियल जो है वो इंडिया, यस, दिस इज इंपीरियलिज्म। व्हाट इज इंपीरियलिज्म? मेंटली उनको कंट्रोल करना। अब उन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए उनको कि हम आपको ये देंगे, आप बड़े सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, सिविलाइज्ड नहीं हैं, अनएजुकेटेड हैं, हम आप लोग सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और इसी बातों में लगा कि उन्होंने उनके तमाम के तमाम सोर्सेज, तमाम के तमाम जो उनके लोकेशंस, नेचुरल एसेट्स जितने भी थे, उन सबको एक्सप्लॉइट कर लिया मेंटली तौर पर। ठीक है, रिमोट कंट्रोल की तरह रिमोट से उनको कंट्रोल किया और उनकी तमाम की तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लिया और उनको उन पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह इसलिए ज्यूल इन द क्राउन इंपीरियलिज्म कहलाता है, और ये इसका मेन थीम भी है, इंपीरियलिज्म इन द ज्यूल इन द क्राउन। ठीक है, अब इसमें थीम्स कौन कौन से पाए जाते हैं? थीम्स इसमें रेस का, क्लास का, यस,
जब दोनों के दरमियान हुई तो दोनों तरफ से ही ऐसा हुआ। अब इंडियंस ने उनका रेप कर लिया डेफनी मैनर्स का, इस वजह से जेलसी की वजह से अब के हमारे इंडियन वीमेंस भी बहुत सारा हैं। इसने वाइट के साथ ही फेस क्यों चलाया, दूसरा अपना हेट शो करवाने के लिए टुवर्ड ग्रेट ब्रिटेन एंड द प्रिजुडियस दैट अकंपनी देम अ सेंट्रल थीम इन दिस जियोलिथिक राउंड। अब द जो अकड़ है, ठीक है, प्रिजुडियस होता है अकड़ना, ठीक है, प्रिजुडाइज होता है अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेना, ठीक है, अपने ऐसा किसी अपने आप का नुकसान पहुंचाना, अपने आप को बिगाड़ना। किस तरह इसमें प्रिजुडाइज शो हो रहा है कि हैरी कुमार इंडिया था, वो अपनी गवाही दे सकता था किसके लिए, डेफनी मैनर्स के लिए, लेकिन उसने अपने ही आप को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। वो सही मानों में वही जीता, ठीक है, इंडियंस ही जीते, लेकिन उनको नुकसान किसने पहुंचाया, फिर भी किसने नुकसान पहुंचाया, बेशक लव अफेयर्स के उनको मेंटल कंट्रोल करके। अब डेफनी मैनर जो है वो यहाँ पे ब्रिटिश को शो करवा रहे कि उसने इस तरह ब्रेन जो है उसका एक्सप्लॉइट किया, इस तरह उसका ब्रेन वॉश कर दिया हैरी कुमार का, कि उसने गवाही ही नहीं दी कि इसके पीछे हम दोनों का बराबर हाथ है, या डेफनी मैनर्स ही मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई थी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये मेंटली एक्सप्लॉइटेशन शो करवा रही है डेफनी मैनर जो है।